Ganz erfüllt. Wie lecker. Erfüllt. 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 अब है लॉग रेस, लॉग रेस सेकंड अरिगांव विलेज है टीम के जाना कैमरा से हाँ देख उधर से कॉम्प्लीट थैंक यू सर अब हम हमारे आज के चीफ गेस्ट लेफ्ट क्या बात है तालियों की गूंज पूरे दूरपथरी में गुनगुनानी चाहिए ये खासियत है हमारे नौजवानों की देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है ये इंक्लूसिव इवेंट हुआ है इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स भी है फीमेल्स भी है मेल भी है फिजिकली चैलेंज्ड लोग भी है और हॉर्स राइडर्स यहाँ के लोकल है वो भी है सारे लोग जो है इसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया किसी ने पार्टिसिपेट किया कोई स्पेक्टेटर बन के रहा लेकिन ओवरऑल इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट सबकी रही है तो इट वॉज़ अ गुड इवेंट तो क्या कुछ आपका आपकी मैसेज रहेगी आने वाले वक्त में ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद हो बिल्कुल मैं चाहूँगा आने वाले वक्त में अगर ऐसे प्रोग्राम और ज़्यादा किए जाए तो उससे जो एक बीच में जैसे आप कहेंगे कि एक बर्फ़ सी जमी हुई है फौज और आवाम के दरमियान तो वो टूटने में बहुत मददगार होंगे ऐसे इवेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे जो इवेंट्स में इन्होंने म्यूजिक वगैरह प्रोग्राम्स किए सारे लोग शमूलियत कर रहे हैं सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस कर रहे हैं तो इस चीज़ से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का जो किसी वजह से गलत इंप्रेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है वो दूर होने में बड़ी मदद मिलेगी तो आज यहाँ पे जो स्पेशली एबल्ड भी जो बच्चे हैं जो यहाँ पे लाए गए उनके लिए क्या कुछ इन्होंने देखिए पिछले साल भी इनका इवेंट था तब भी इन्होंने हमारे जो है कुछ फिजिकली चैलेंज लोग उनको मोटराइज्ड व्हील चेयर्स दी थी जिसकी वजह से उनको अपनी आने वाली जिंदगी में बहुत आसानियां हुई और आज भी इन्होंने जो है हमें दो या तीन लोगों को हमारे मोटराइज्ड व्हील चेयर्स दिए और बाकी लोगों को जो है मैनुअल व्हील चेयर्स क्रंचेस हेयरिंग गाइड्स वगैरह सारे अवेलेबल किए हैं इसके लिए हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहेंगे ओके देखिए सबसे पहली बात है आवाम से कनेक्शन का इंडियन आर्मी के लिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारा कनेक्शन बहुत बड़ा और एक उम्दा किस्म का कनेक्ट है तो इसके लिए हमें आज की तारीख में कोई प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है ये जो प्रोग्राम्स हैं वो हम एक पूरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तहत के अंदर करते हैं ताकि जिस तरह उनकी जो एक काबिलियत है उनकी जो एक पहुंच है हम उसको एक प्रोसेस सप्लीमेंट कर सकें वरना आप देख ही रहे हैं कि आज की तारीख में पूरा जो टूरिज़्म की तरफ एक माहौल है एक बहुत ही अच्छा माहौल है रिकॉर्ड किस्म के टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर के तो टूरिस्ट हैं ही हैं बट लोकल टूरिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी को इतना ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट डालने की ज़रूरत है मगर फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके सप्लीमेंट
ہم سول ایڈم کے کام کو کر سکیں, اس لیے ہمارا دھیان اس طرف ہوتا ہے. پچھلے سال یہی پروگرام ہم نے یوسمگ میں کرا تھا اور دودھ پتھری رہ گیا تھا. اس بار ہم نے کوشش کری کہ اس بار دودھ پتھری میں کریں تاکہ یہاں پہ اس کی جو ایک ویلیو ہے, اس کی جو خوبصورتی ہے, بیوٹی ہے, یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کام ویوسائے کے لیے تھوڑا سا ایک ڈائیورژن بھی ہو, لوگ یہاں بھی آئیں. دیکھیے جو اور ان سب چیزوں کا جو کام ہے یہ پولیس کا کام ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام صرف ایک ایل سی کے اوپر بارڈر مینجمنٹ کا ہے, ایل سی مینجمنٹ کا ہے. ہاں اس کے دوران اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پولیس کے حوالے سے یہ پوری کاروائی کری جاتی ہے اور یہ ان کا رول ہے. ایفرٹ ہوتا رہے گا. ڈرگ اسمگلنگ ایک طریقہ ہے, ذریعہ ہے غلط کام کرنے کا. وہ یہیں سے نہیں ہوتا ہے, پورے دیش میں کئی جگہ سے ہوتا ہے, جہاں پر بھی ہوتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ پولیس اس کے اوپر تتپر ہے, وہ اپنا ڈیوٹی اچھی طرح نبھا رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے اس سال کافی ریکوریز ہیں, اس کا مطلب پولیس کا اچھا اچھا انٹ آ رہا ہے, اچھا فوکس ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ ڈرگز کنٹرول ہوں گے تاکہ ہمارے یوتھ بچ سکیں اس زہر سے اور اچھے کام کی طرف